तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आ चुके हैं भाई फिर से मुखर्जी नगर। बहुत टाइम बाद आया भाई। तो हम आपको भाई कुछ अलग चीज़ दिखाते हैं आज भाई, न्यूट्रिक कुल्चा, अमृतसरी स्पेशल न्यूट्रिक कुल्चा। तो भाई एक बार रेट दिखाता हूँ मैं, रेट जो लगे ना देखो, बर्गर बस 20 रुपये का। तो भाई देख लीजिए एक बार, वेराइटी देखो पहले, रायता 10 रुपये, सोया बर्गर, मसाला कुल्चा, अनियन मसाले, इटालियन गार्लिक, मल्टीग्रेन आटा कुल्चा, बाहुबली कुल्चा, भाई वेराइटी देख लो। इतनी कम वेराइटी में दोस्तों आपको न्यूट्रिक के साथ कुल्चे मिलने बहुत मुश्किल है दोस्तों। 10 रुपये से लेके 70 रुपये तक, 60 रुपये तक दोस्तों हर चीज़ है। और यहाँ पर यार कुल्चे देख लो कौन कौन से रखे हैं, अनियन गार्लिक कुल्चा भी है, धनिया कुल्चा भी है, सिंपल कुल्चा भी है, मसाले वाले कुल्चे भी हैं, आटा कुल्चा भी रखा हुआ है। तो भाई वैरायटी कुल्चों के यहाँ पर दोस्तों हकीकत में भाई बहुत सारी मिलने वाली है आपको। और ये दोस्तों तवा देख लो, नीट एंड क्लीन, हाइजीन दोस्तों पूरा बहुत ही हमें तो भाई बढ़िया तरीके से लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर ये सूजी वाले कुल्चे भी रखे हुए हैं, और ये दोस्तों अपनी वहाँ पर न्यूट्री लगे, और ये कटे हुए चीज़ें रखे हुए हैं। तो चलो अंदर चल के एक बार आपको चीज़ें दिखा दें कुछ। ये है दोस्तों इनकी न्यूट्री देख लो भाई। तो न्यूट्री में दोस्तों ये सफ़ेद चना भी डालते हैं, न्यूट्री भी होती है, और इनके भाई अपने मसाले पड़ते हैं तो जो कोई बताता भी नहीं है। और दोस्तों जो सुगंध आ रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त सुगंध आ रही है भाई। तो और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्याज भी अपने रखे हुए हैं, और ये देख लीजिए दोस्तों कितना सुंदर अपना न्यूट्री का तवा रखा हुआ है। दोस्तों घर से बना के लाते हैं न्यूट्री, यहाँ पर आके बस आपको गर्म करके ये दे देते हैं। ऊपर देख लीजिए थोड़ा धनिया और अनियन भी दोस्तों यहाँ पर डला हुआ है, और ये देखिए दोस्तों फ्रेश फ्रेश चॉप्ड अनियन यहाँ पर कटते रहते हैं, और ये भैया भी ऐसे काटते रहते हैं जिससे कि भाई न्यूट्री जो है अभी वो अच्छे तरीके से ना दोस्तों स्प्रेड हो जाए पूरे ग्रेवी में। तो ये ना हो ना भाई किसी के पास न्यूट्री आ जाए और किसी के पास भाई ग्रेवी ग्रेवी चली जाए। तो भाई ऐसा काम यहाँ पर अभी तक तो हमें देखने को नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये काट रहे हैं तो भाई देखो, और ये सैल्यूट भी कर रहे हैं दोस्तों, मिलाते भी जा रहे हैं, तो इनक्रेडिबल खुशबू तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और देखिए दोस्तों कसूरी मेथी भी रखी हुई है, फ्रेश फ्रेश दोस्तों धनिया कट रहा है, फ्रेश फ्रेश यहाँ पर प्याज कटने लग रहे हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें भाई यहाँ पर आपको फ्रेश मिलने वाले, सबसे अच्छी बात। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये इनकी चटनी रखी हुई है, इमली और पुदीने की चटनी है बस ये, बाकी इसमें थोड़ा मिर्च वगैरह जो डलती है वो तो दोस्तों डलती है ही। तो चलिए न्यूट्री देखिए अब आप, ये देख लीजिए दोस्तों दिखाई थी ना स्टार्टिंग में। तो देखिए दोस्तों गार्निश कर रहे हैं इसको ये प्याज से और अपना धनिया और कसूरी मेथी से थोड़ा थोड़ा, ये देख लो। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर न्यूट्री मिलेगी, कोई दिखाने वाली बात नहीं है भाई, मिलेगी ही ऐसी। और सोया बर्गर मात्र 20 रुपये में दोस्तों कहाँ मिलता है आज के टाइम में, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों इनके जो रेट्स हैं ना, वो अभी तक मैंने रीज़नेबल, इतने रीज़नेबल रेट्स में न्यूट्री भाई कहीं भी नहीं देखी है। तो चलो आगे चल के और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। सर अगर किसी को न्यूट्री न्यूट्री लेनी हो तो सर क्या रेट होगी, एक बार बताएंगे मेरे को? सर ये वाला डिब्बा आपका पैकिंग में मिलेगा 30 रुपये का। ये दोस्तों 30 रुपये की आपको न्यूट्री न्यूट्री मिलेगी, देख लो। और सर इससे ऊपर भी कुछ है? इससे ऊपर ये 60 रुपये का डिब्बा पड़ता है। ये 60 रुपये का दोस्तों, इसके ऊपर है 90 रुपीज का, 120 का। अच्छा तो सर उसका डब्बा 90 का से डबल हो गया। हाँ, मान लेना ये मिलेगी, ट्रिपल हो जाता है। जैसे एक एक प्लेट के हिसाब से इसमें आई थी, दो प्लेट का इसमें, तीन प्लेट की पैकिंग अलग, चार प्लेट की पैकिंग उस हिसाब से हो गए ये वो डिब्बे। अच्छा अलग अलग। सर रायता का भी गिलास दिखा दो, क्योंकि 10 रुपये का रायता बहुत कम देखने को मिलता है कि भाई 10 रुपये का भी रायता मिल सकता है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए दोस्तों गिलास सिर्फ 10 रुपये में दोस्तों आपको इनका रायता भी मिल जाएगा। एक बार रायता भी दिखा दीजिए सर, रायता भी देख लेते हैं दोस्तों, क्वालिटी देख लेना एक बार, क्योंकि 10 रुपये वाली चीज़ तो आपको क्वालिटी दिखानी पड़ती भी है। देखो ये देख लीजिए दोस्तों, आपको ना इसमें बर्फ़ की डली नहीं मिलेगी, जो पानी पानी है, पर क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों चकली कंसिस्टेंसी दोस्तों बहुत अच्छी है, बूंदी बहुत मोटे मोटे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप अपने एक बार सोया बर्गर और न्यूट्री की प्लेट लगवा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों भैया लगवाते हैं, सबसे पहले देखिए आप क्या है, देखते जाइए बस आप। ये आ गए दोस्तों सबसे पहले अपने भाई बड़े से तवे पे ढेर सारे अनियन, ये आ गया दोस्तों इसमें धनिया, और भाई ये आ गई इनकी चटनी आएगी, ये दोस्तों डिलीशियस का बटर यूज़ करते हैं ये भाई इनकी अपनी मिर्च वाली चटनी होती है, तो जो कि भाई आपको पता है यार, कोई बताता तो है नहीं कि क्या क्या चीज़ें डली हुई होती है, ठीक है। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये भाई अब इसको करेंगे कटाई, इसकी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब भाई करेंगे कटाई। ये लो तो भाई कच्चे प्याज तो है ही, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में प्याज आए ना उसके साथ मिले तो ये मज़ा ये लगाता है खाने का। अब दोस्तों देखिए कितना सुंदर भाई कलर आ चुका है, अब इसमें जाएगी दोस्तों अपनी न्यूट्री। तो दोस्तों जो बनी हुई न्यूट्री भाई वो भी यहाँ पर देखिए तवे पे इसको दोबारा से भाई प्याज का तड़का लगा रहे हैं, वो क्या सुगंध आ रही है भाई, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों ये। तो देखिए ये भी कटाई हो रही है भाई न्यूट्री की भी। बर्गर भी आपका छोटा नहीं है, बड़े वाला ही है, बड़े वाला बर्गर, ये नहीं कि छोटा बर्गर है, 20 रुपये के अंदर। तो ये लगा लो सिर्फ स्टूडेंट रेट कर रखा है हमने, स्टूडेंट के लिए, जैसे हम इसमें कोई पैसा नहीं कमाते,
इसलिए तो देखो हम आए हैं क्योंकि आपके रेट जो हमने देखे थे ना वो बहुत रीजनेबल रेट्स है। इतने रेटों में मैंने सोया बर्गर तो वैसे खाया हुआ है एक बार, लेकिन इतने रेट में मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ 20 रुपए में। आजकल 20 रुपए में तो सर वो नॉर्मल बर्गर ले लोगे ना आलू टिक्की वाला, वो भी नहीं मिलता। वो भी नहीं मिलता हमारे पास स्टूडेंट के लिए। 10 रुपए से लेकर 10 रुपए का रायता है, 20 रुपए का बर्गर, मतलब 10 से लेकर 90 रुपए तक के आपके स्टूडेंट के लिए सारी चीजें है। स्टार्टिंग में मैंने इन सबको ना रेट भी दिखाए थे। ये आपके एक्चुअल में ना सर कहने वाली बात नहीं, लेकिन रेट्स बहुत रीजनेबल है। तो देख लीजिए दोस्तों भाई बर्गर भी भाई अपना लग चुका है, जो न्यूट्रेबल से देखिए बढ़िया भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल करे इसमें। दोस्तों धनिया जा चुका है, उनकी अपनी घर की बनी हुई रेड हॉट स्पाइसी सॉस भी भाई ऊपर डाल चुके हैं। तो अब चलिए देखते हैं सर्व कैसे करते हैं ये दोस्तों। थोड़ी सी न्यूट्री हटा के भाई जगह बनी है। अब ये भाई बर्गर को, न्यूट्री बर्गर को भाई करेंगे थोड़ा सा पकाएंगे इसको। यार पकाने भी तो ज़रूरी नहीं, तो भाई कच्चा बर्गर कैसे खाएंगे यार। तो भाई देख लो सारी चीज़ें दोस्तों लाइव चल रही है आपके सामने भाई, ऐसा ही मिलता है यहाँ पर और डिलीशियस का बटर यूज़ होता है। तो कहाँ पर आए हैं भाई, मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमास के जस्ट अपोजिट ये खड़े होते हैं। आपको भाई इनकी कार दिख जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में दिखा भी दिया था। और अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो भाई 9 या 9:30 बजे दोस्तों ये आ जाते हैं, शाम को 7 बजे तक ये रहते हैं। और जितना मेरा ख्याल है भाई 7 दिन दोस्तों इनकी शॉप खुली हुई है, बाकी भाई पता कर लेना, मेरे ख्याल से 7 दिन खुली हुई है। और देख लीजिए दोस्तों भाई बिल्कुल रेडी है न्यूट्री बर्गर दोस्तों अपना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार है, कटाई भी कर दी है इसकी। तो चलिए देखते हैं अब इसकी प्रेजेंटेशन भाई ये इस पर क्या क्या डाल के देंगे। तो दोस्तों साथ में भाई आपको मिल रही है ये मिंट सॉस, इनकी क्या बात है भाई। यार रंगत देखो भाई, मेरे तो दोस्तों मुँह में पानी आ रहा है भाई, आपके भी आई एम श्योर आ ही रहा होगा, क्योंकि अब तो मैं खा के भी दिखाऊंगा तो आपके मुँह में और पानी आएगा। और इसके ऊपर दोस्तों थोड़ी सी भाई गार्निशिंग हो रही है क्रेमिका की क्रीम के साथ। तो भाई बर्गर तो लग गया, अब क्या लगवाएं बताओ बताओ, जहाँ पर आए हैं भाई वहाँ का स्वाद तो लेना चाहिए। चलो अब न्यूट्री कुल्चा दिखाते हैं आपको हमने लेके, कैसा कुल्चा प्रिपरेशन कौन सी लेते हो, कौन सा कुल्चा हमने लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले भाई कुल्चे को वहाँ पर जो न्यूट्री बनी हुई है भाई उसमें डिप कर दिया अच्छे तरीके से, ताकि जो न्यूट्री की ग्रेवी है भाई वो कुल्चे पर आ जाए। फिर इसको भाई इस तवे पर ला के करेंगे इसकी बढ़िया तरीके से सिकाई, ये लीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों हमने लिया है भाई अनियन कुल्चा, आप कौन सा भी ले सकते हैं, बहुत वैरायटीज है यहाँ पर, लेकिन हमने अनियन वाला कुल्चा लिया है। और इसकी भी प्रेजेंटेशन काफ़ी यूनिक होने वाली है, देख लीजिए अनियन कुल्चा। तो भाई इसके ऊपर भी दोस्तों अनियन डाला है इन्होंने, तो भाई यार मतलब रेट के हिसाब से सिर्फ 60 रुपये में दोस्तों कितनी बढ़िया क्वान्टिटी मिल रही है, कितनी बढ़िया क्वालिटी मिल रही है, कितने साफ़ सुथरे तरीके से दोस्तों खाना मिल रहा है भाई, वही चीज़ है बस। तो यार ऐसी चीज़ों को भाई मिस आउट तो करना ही नहीं चाहिए। देख लीजिए दोस्तों डिलीशियस का बटर रोल लगा दिया भाई, इसको प्याज को थोड़ा सा भी अच्छी तरीके से पकाते भी हैं, पलटेंगे भी इसको। ये लीजिए दोस्तों पलट दिया नीचे से, तो दोस्तों सीख चुका है, और थोड़ा प्याज को भी सेक ले और अब प्लेट लगवा लेते हैं। चलो ये आगे दोस्तों अपने अनियन, थोड़े से अनियन तो वैसे उसमें है ही, लेकिन भाई और आगे हो रही है भाई की भाई की इमली पुदीने की चटनी, मिंट सॉस कह लो भाई इसको, मिंट भी शायद डलता ही होगा भाई, टेस्ट करके बताएंगे बाकी हम, ठीक है। और ये आगे दोस्तों अपनी प्यारी न्यूट्री, इसके बिना कुलचा ही अधूरा है अपना। और यार देख लीजिए दोस्तों गरम गरम भाई न्यूट्री, क्या स्वाद है भाई, क्या इतनी दूर से भी हमें खुशबू आ रही है, मज़ेदार भाई। तो दोस्तों डू विजिट मंद भाई, फिर से बता देता हूँ, मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमास के जस्ट सामने ये खड़े होते हैं। स्टार्टिंग में आपने कार्ड का नाम भी देख लिया, ये देख लीजिए दोस्तों न्यूट्री की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं यहाँ पर। सुबह 9:30 बजे मिल जाएंगे आपको ये, शाम को 7 बजे तक भाई आपको इनका स्वाद चखने को मिलेगा। और ये देख लीजिए दोस्तों बहुत सारी इसके ऊपर आ चुके भाई अपनी क्रीम, और अपना ये भाई कुल्चा बिल्कुल एकदम रेडी है। चलिए अब इसकी करवाते हैं थोड़ी सी हम कटाई, क्योंकि सिख तो देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से चुकाई है, आपको दिखने भी लगी रहा है। गार्निश भाई फिर से दोस्तों धनिए से गार्निश करा, और इनकी अपनी बनी हुई ये रेड हॉट स्पाइसी सॉस। और अब ये दोस्तों हो गई इसकी कटाई, तो भाई काटने में मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, अपना पीस उठाओ और भाई लुफ्त उठाओ इनके जायके का। तो चलिए दोस्तों दोनों प्लेट भाई अपनी रेडी है, अब हम आपको सीधा टेस्ट बताते हैं इनका। तो जी हाँ दोस्तों दिखा दूँगा भैया, टेस्ट तो बता ही दूँ कैसा है, टेस्ट बिना बताए तो भाई मज़ा आएगा ही नहीं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं इनका न्यूट्री बर्गर, और न्यूट्री भाई पूरा ओवरलोडेड बर्गर ही कहेंगे भाई इसको। अंदर देखो इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको क्लोज से, वैसे तो आपने देख ही लिया, ये देख लो पूरा अच्छी तरीके से भाई बढ़िया फीलिंग है, साथ में यहाँ मिंट सॉस भी दी हुई है इन्होंने। तो चलो यार थोड़ा बहुत टेस्ट करके देखते हैं, हम्म,
सबसे पहले जो टेस्ट लगा ना मेरे को बहुत अच्छा, वो है इनकी मिंट सॉस का, इमली और पुदीने की चटनी भाई जबरदस्त। वो जो सॉफ्टनेस है बर्गर और न्यूट्रन में से पता चल रहा है कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सेका है इसको। इनक्रेडिबल भाई, 20 रुपए में ना प्लेट बहुत बढ़िया भर जाएगा। अगर नहीं भरेगा ना तो भाई और ले लेना, क्या बात है, 40 रुपए में भर जाएगा। लेकिन एक बार मैं मुखर्जी नगर बत्ता सिनेमा के सामने, मैंने आपको लोकेशन वगैरह सब दिखा दिया, बट ट्राई जरूर करना दोस्तों। अब टेस्ट कर लेते हैं कुलचा इनका, अनियन कुलचा है। देखो सॉफ्ट है तभी टूट रहा है, सॉफ्ट नहीं होता तो टूटता कहाँ से। ओवरलोडेड है अभी, देखो पूरा ऊपर अच्छे तरीके से अनियन मसाला कुलचा वैसे ही है, और उन्होंने ऊपर से अनियन डाल के भाई और ज़बरदस्त बना दिया इसको। थोड़ी सी लगाते हैं अपनी न्यूट्री, थोड़ी लगाते हैं प्याज, और टेस्ट आया लाजवाब। शायरी करने लगे ना, टेस्ट है भाई जो ये सब बुलवा देता है ना। तो यार देखो आपको भी पता है बोलना कितना मुश्किल है आज के टाइम में, लेकिन जो टेस्ट है ना भाई, न्यूट्री बहुत सॉफ्ट। सबसे अच्छी बात है दोस्तों मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बैलेंस मसाले हैं बिल्कुल। इतनी भी ज़्यादा मिर्च नहीं कि भाई आप ऐसे हो जाओ, तो आप बहुत ही आराम से आप उसको ब्रेकफास्ट को, लंच को या स्नैक ऑप्शन को कुछ भी कर लो दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। कुलचा बहुत सॉफ्ट है, धनिया भी डाला है, प्याज भी डाला है, अच्छे तरीके से डिलीशियस के बटर में सेका है, और न्यूट्री तो इनकी भाई है ही लाजवाब। देखो ये स्वाद आना चाहिए भाई बस। और प्याज में सबसे अच्छी बात है जो इन्होंने चटनी डाली थी ना, रेड सॉस चिली सॉस, वो दोस्तों प्याज में भी है कुलचे में भी है। तो भाई मेरी तरफ से तो भाई हिट है ये चीज़ भाई मुखर्जी नगर में, ये चीज़ दोस्तों सुपर हिट। एक बार आकर दोस्तों ट्राई ज़रूर करना, इस साइड कभी आओ मुखर्जी नगर में, तो यार फॉर वंस डू ट्राई। और शुक्रिया भाई यहाँ तक आपने व्लॉग देखा तो।